हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा एमसीए एंट्रांस के कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग फिर से कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड यूजिंग एन बुलियन वेरिएबल इज, बोल रहा है कि कितने ऐसे बाइनरी फंक्शंस बनेंगे, ठीक है, यूजिंग एन बुलियन वेरिएबल। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर बाइनरी फंक्शंस आपसे पूछा जा रहा है कि कितने टोटल नंबर ऑफ बाइनरी फंक्शंस होंगे। तो पहला बात तो अगर आपके पास n बुलियन वेरिएबल्स हैं तो टोटल इनपुट्स आप कितना ले सकते हैं, 2 का पावर n। तो टोटल पॉसिबल इनपुट्स हो सकता है 2 का पावर n, और टोटल नंबर ऑफ बाइनरी फंक्शन क्या होगा, 2 का पावर और उसके बाद जितने नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट्स हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट्स कितने हैं, 2 का पावर n। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा 2 का पावर n, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। पर यहां पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो यहां जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द एबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच टर्म इज रिडंडेंट इन द एक्सप्रेशन ab + a'c + bc। मतलब यहां पर कौन सा ऐसा टर्म है जो रिडंडेंट है। रिडंडेंट का मतलब कि डुप्लीकेसी, मतलब यहां पर वो टर्म नहीं भी होगा तो चलेगा। तो इसमें कौन सा ऐसा टर्म है, तो इसका मतलब देख के तो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कि कौन सा टर्म रिडंडेंट है, क्योंकि तीनों आपको अलग दिख रहे हैं। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहां पर ए बी है, उसके बाद आपका ए डैश सी है, ठीक है, और उसके बाद आपका बीसी है, ठीक है। तो बीसी में आपको क्या करना है, ब्रैकेट में a + a' आपको करना है, ठीक है। तो a + a' आप जो है क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि a + a' का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब इक्वल टू, तो ये ए बी एजीटी जाएगा, ये ए सी भी एजीटी जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होके क्या हो जाएगा, बीसी ए, ठीक है, और यहां पर ये प्लस होके क्या हो जाएगा, बीसी ए डेस, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर ए बी जो है एजीटीज है, ए डेस सी एजीटीज है, तो ए बी, और यहां पर अगर आप देखेंगे ए बी सी में अगर ए बी कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पर ए बी, ठीक है, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + c, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 + c। ए बी को हम लोग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहां पर जो है आप देख रहे हैं कि ए बी को हम इनके साथ नहीं ज्वाइंट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो है ए डैश बी है। उसी तरह प्लस अगर ए डैश सी और बी सी ए डैश में देखेंगे तो क्या कॉमन है, ए डैश सी कॉमन है, क्या कॉमन है, ए डैश सी। तो अगर इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 + b, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल को अगर आप प्लस 1 करते हैं, ठीक है, बुलियन फॉर्म में, तो उसका वैल्यू 1 ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ए बी प्लस ए डैश सी, ठीक है। तो यहां पर किसी भी वेरिएबल को आप 1 से प्लस करेंगे तो 1 ही होता है। तो इस केस में आपका ए बी प्लस ए डैश सी आ गया। तो यहां पर ए बी और ए डैश सी तो रहेगा ही, इसका मतलब ये बी सी जो है ये यहां पर फालतू का टर्म है, मतलब एक्स्ट्रा टर्म है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो आपका बी सी होगा। तो यहां पर बी सी जो है वो आपका रिडंडेंट टर्म आ रहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर्ड इन,
ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम होता है उसका जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है वो कहाँ स्टोर होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बायोस, जिसको कि हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कि बायोस में स्टोर होते हैं, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं और आपके सिस्टम को ऑन करने में हेल्प करते हैं। और जो प्रोग्राम आपके सिस्टम को ऑन करने में हेल्प करते हैं उसी को हम लोग बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम कहते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एल्जेब्रिक रूल इज करेक्ट, इसमें से कौन सा बुलियन एल्जेब्रिक रूल जो है वो करेक्ट है? तो ए डॉट ए डेस इक्वल टू वन, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि ए डॉट ए डेस क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद ए प्लस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो चलिए देखते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड में ए अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर तो आपके ब्रैकेट में क्या आता है, वन प्लस बी, ठीक है, क्या आता है, वन प्लस बी, और वन प्लस बी क्या होता है, वन हो जाएगा क्योंकि वन के साथ किसी को भी हम ऐड करेंगे तो वन आता है बुलियन एल्जेब्रिक रूल में। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा ए, जबकि राइट हैंड साइड में आपका ए प्लस बी है, तो ये भी आपका जो है रॉन्ग होगा। उसके बाद है ए प्लस ए डेस बी, तो ए प्लस ए डेस बी को आप लिख सकते हैं ए प्लस ए डेस, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए डेस उसके बाद इंटू ए प्लस बी, इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, बुलियन रूल के हिसाब से। बुलियन रूल के हिसाब से क्या होता है, अगर ए प्लस ए डेस बी है तो आप कर सकते हैं ए प्लस ए डेस और फिर ए प्लस बी, और ए प्लस ए डेस क्या होता है, हमेशा वन होता है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है, तो क्या रह जाएगा, ए प्लस बी, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में ए प्लस बी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, ए प्लस ए डेस बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो इस तरीके से आप जो है एल्जेब्रिक रूल का यूज करके आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर द इक्वेशन वन टू थ्री, और ये जो फाइव है ये इसका बेस है, उसके बाद एक्स एट और वाई जो है इसका बेस है, विथ एक्स एंड वाई इज अननोन द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक्स और वाई का नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वन टू थ्री वैल्यू दिया है और इसका बेस फाइव है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वन इंटू फाइव का पावर टू प्लस टू इंटू फाइव का पावर वन, जैसे कि आपको पता है जितना बेस होता है उसी का पावर हम लेते हैं, ठीक है, प्लस थ्री इंटू फाइव का पावर जीरो, ठीक है, तो ये आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ गया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 5 25, तो 25 25 और 10 जो है कितना हो गया, 35 35 और 3 38, तो इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो है क्या, 38। फिर अगर एक्स एट वाई को अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एक्स, ठीक है, एक्स के बाद मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा, चूंकि बेस वाई है तो वाई का पावर वन आ जाएगा, फिर प्लस एट इंटू वाई का पावर क्या होगा, जीरो होगा, वाई का पावर क्या होगा, जीरो होगा। अगर आप जो है बाइनरी कन्वर्जन अगर नहीं पता है तो आप मेरे चैनल में जाके बाइनरी कन्वर्जन का वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और इसका इक्वल कितना हमारा वैल्यू है, 38, क्योंकि यहाँ पर हम 38 निकाल चुके हैं। अब आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पर 38 है, ये y का पावर 0 1 हो जाएगा तो केवल 8 बच जाएगा, तो 8 अगर उधर जाएगा तो माइनस होके क्या हो जाएगा, 30। अब आपको देखना है कि x और y का क्या क्या वैल्यू हम ले जिससे कि 30 आए। पर यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसके अंदर एक वैल्यू 8 भी है, इसका मतलब y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 8 होगा, ठीक है, तो इसलिए आप जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेंगे वो 8 से ऊपर लेंगे। तो पहला अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, 3 कोमा 10, ठीक है, वैसे तो 30 जो है 6 5 या 30 भी हो सकता है, पर हम 6 भी नहीं ले सकते, 5 भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ जो आप देखेंगे यहाँ पर जो डिजिट है 8 है, इसका मतलब जो बेस होगा वो 8 से ऊपर ही होगा, तो इसीलिए यहाँ पर वाई का वैल्यू हम 10 ले रहे हैं।
ठीक है, नाइन ले नहीं सकते क्योंकि नाइन के मल्टीपल में 30 आता नहीं है। उसके बाद क्या लेंगे हम यहाँ पर, 2,15, 15 2 जा 30 हो सकता है, और उसके बाद 1,30। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस निकल के आ रहे हैं एक्स वाई के लिए, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका 3 होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द स्मॉलेस्ट इंटेजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एन 8-बिट नंबर इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज, मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में 8-बिट नंबर में जो स्मॉलेस्ट इंटेजर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जो रेंज ऑफ नंबर्स होते हैं वो होता है -2n-1 से लेके, ठीक है, कहाँ तक होता है, 2n-1, और इसे ब्रैकेट में रखेंगे और -1 होता है। इसका मतलब जो मिनिमम होता है वो -2n-1 होता है, और जो मैक्सिमम होता है 2n-1-1 होता है टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट पूछा जा रहा है, तो स्मॉलेस्ट हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ पर मैं एन का वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 8, क्योंकि यहाँ पर 8-बिट के लिए पूछ रहा है। तो 8-1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7, क्योंकि पावर जो है ऑड में है तो माइनस होगा, और 2 का पावर 7 कितना होता है, 128। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट इंटेजर होगा वो होगा -128, तो यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं, और इसके कंसेप्ट को भी मैंने समझाने का कोशिश किया, जैसे कि किस तरीके से जो है आप अगर बुलियन वेरिएबल्स के नंबर्स दिए हुए हैं तो कैसे आप नंबर ऑफ बाइनरी फंक्शंस निकाल सकते हैं, कैसे आप जो है एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप बुलियन अलजेब्रिक रूल को अप्लाई कर सकते हैं, फिर नंबर सिस्टम के बारे में भी बताया। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, और इन कंसेप्ट को आप दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैं आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।